सड़ांग मार रहे कचरे के ढेर, आमजन का जीना हो रहा दुश्वार। पिछले शुक्रवार से धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में अब 3 दिन में ही बाड़ी शहर के हालात बदतर नजर आ रहे हैं। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा है और उसमें से बदबू उठने लगी है। ऐसे में जहां दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बाड़ी शहर के लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। हड़ताल के दिन नगरपालिका बाड़ी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर सका है। और तो और, डोर टू डोर कचरा संग्रह करने वाली टीम बेसिक्स कंपनी भी कचरा उठाने में फेल हो गई है, जबकि उसका हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है। सफाई कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र बागड़ी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर वार्ता में जो आश्वासन दिया था, उस पर कोई काम नहीं हुआ। और तो और, वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। सभी जाति के लोगों को सफाई भर्ती में शामिल किया जा रहा है, जिसका विरोध है। इसी को लेकर प्रदेश संगठन के आह्वान पर शुक्रवार से सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बाड़ी शहर के संतरासपाड़ा महाराज बाग सर्किल के दुकानदार रमन गर्ग ने बताया कि उनकी दुकान के ठीक सामने इतनी गंदगी जमा है कि कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आ रहा है। बदबू उतनी है कि दुकान पर बैठना तक मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर सफाई की जरूरत है। हड़ताल के बाद नगरपालिका प्रशासन को कोई वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए, अन्यथा इस गंदगी में तो जीना भी दूभर हो जाएगा। वहीं पास के दुकानदार अल्ताफ खान ने बताया कि हालांकि उनकी जाली गेट और एल्युमिनियम फीलिंग की दुकान है, लेकिन दुकान पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको बदबू में काम करने में परेशानी हो रही है। नगरपालिका प्रशासन में इसको लेकर शिकायत भी की है, लेकिन वहां से कोई संतुष्ट हो जवाब नहीं मिला। बाड़ी शहर के घरों से कचरा संग्रह करने के लिए नगरपालिका ने अनुबंध पर टीम बेसिक्स कंपनी को लगा रखा है, जिसको लाखों रुपया कचरा संग्रह और उसके निस्तारण के नाम पर दिया जा रहा है। हड़ताल के समय कंपनी का काम भी फेल है, जबकि उसका इस हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। डोर टू डोर कचरा संग्रह नहीं होने से और परेशानी बढ़ गई है। मामले को लेकर नगरपालिका बाड़ी के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि शुक्रवार से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, इसको लेकर ऊपर सूचना दी गई है। वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं मिल पा रहे। वहीं टीम बेसिक्स के अधिकारियों को भी कचरा संग्रह करने के लिए निर्देश दिए हैं। सोमवार तक व्यवस्था में सुधार की संभावना है। अरे सर, ये गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, 4 दिन हो गए नगर पालिका के कर्मचारी आए नहीं है। मुझे कई बार बोल दिया यार, दुकान में बैठते हैं, दुकान भी नहीं खुल पाती हमारी, और इससे गंदगी इतनी फैल रही है, बैठा भी जाता बदबू होती है, दुकान बंद कराया जानी पड़ती है। हमारे काम धंधा ठप पड़ा है, इसके चक्कर में सारा काम दुकान बोलता है उल्टी, और ये दुकान की लड़के हैं बेचारे परेशान होते हैं, दिन में चले जाते हैं साइड बंद करके, दुकान बंद करके साइड पे, और क्लियर हो गए जो सब वो सब लोग यही मतलब डंपिंग यार्ड सा बना रखा है, इस जगह सारा कचरा डालते हैं वो, और इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि यहाँ मतलब 2 मिनट बैठना दूर हो रहा है, मच्छर वगैरह नहीं मिलेंगे इससे, 4 दिन हो गया। नगर पालिका में 3-4 बार खबर पहुँचा दी, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर मोहल्ला संतरासपाड़ा रामवीर कोसवाल के मकान के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्ताफ है सर। पिताजी का नाम? नूरुद्दीन। किसकी दुकान है आपकी? मेरी एल्युमिनियम एंड ग्लास की दुकान है। डेली कूड़ा डलता है साहब, यहाँ पर जो स्टॉक बना रखा है यहीं से स्टॉक करते हैं, डेली यहीं से ले जाते हैं। अब तो हड़ताल है तो कोई आया ही नहीं है, तो यहाँ स्टॉक कर रखा है। अब ये दुकान हमारी सब 3 भाइयों की छुट्टी है, दिक्कत आती है रोजाना। कब से पड़ी है गंदगी? ये तो कल से उठाने आई नहीं है, कल से हड़ताल है। तो अब सफाई हो जाए जी चाहते हो, हड़ताल का तो गवर्नमेंट करे, इस पैसे क्या करना है। क्या नाम है आपका? रमन। पिताजी का नाम? सीताराम।